अब दिखाई दे रहा है बताओ कर, दें, कर दें। जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है एक बार क्या कर लेना रिफ्रेश कर लेना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई इसके रंगों के साथ भी कुछ गड़बड़ रखी है भयंकर कॉन्ट्रास्ट हो रखा है शुरू करें? मतलब कैमरा नहीं चल रहा था हाँ ठीक कुछ हो गया था कैमरा नहीं चल रहा था फिर दूसरी जगह से क्लास लेने आए हुए भी शुरू कर लेते हैं आ जाओ अगर मैं आपके सामने लिख दू क्या लिख दू कुछ तो लिखना पड़ेगा ना मैं लिख दू कि x प्लस वन बाई एक्स दो है और आप मुझे बताइए कि x की पावर पांच प्लस एक बटा एक्स की पावर छ क्या होगा बताओ अगर मैं लिख दू एक्स प्लस वन बाई एक्स हाँ अभी अभी आया हूं हाँ कैमरा नहीं चल रहा था मतलब ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी तो जा रही थी मैं बोल रहा था आवाज वीडियो <coughs> <coughs> देखिए, x प्लस वन बाई एक्स टू है तो x की वैल्यू कितनी होगी यहां से ये तभी संभव है जब x वन होगा ठीक है ध्यान रखिएगा अगर आपके सामने कभी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए x प्लस वन बाई एक्स टू है तो ये तभी संभव है जब x की वैल्यू क्या होगी वन होगी वन प्लस वन बाई वन आप सोल्व करोगे दो आएगा अब इस वैल्यू को आप इसमें रखिए तो वन प्लस वन बाई वन कितना होगा ये भी टू होगा क्लियर है क्लियर है सब लोगों को एक क्वेश्चन और दे देता हूं x प्लस वन बाई एक्स यदि टू है और आप लोगों से कोई पूछे x की पावर थर्टीन माइनस वन बाई एक्स की पावर बारह क्या होगा बताइए एक्स प्लस वन बाई एक्स टू है तो एक्स की पावर तेरह माइनस एक बट एक्स की पावर बारह क्या होगा हाँ क्लास वन है और सवाल नंबर दो है मैंने आपको बताया अगर ये दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वन होगी ठीक और एक्स की वैल्यू यदि वन है तो आप उसे यहां रखिए वन की पावर थर्टीन माइनस वन की पावर ट्वेल्व यानी वन माइनस वन कितना होगा जीरो होगा वन माइनस वन कितना होगा जीरो होगा ठीक है एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सॉरी एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू यदि माइनस दो दी है और कोई आपसे एक्स की पावर सो प्लस वन बाई एक्स की पावर सो पूछ ले तो क्या होगा एक्स की पावर निन्यानवे प्लस वन बाई एक्स की पावर निन्यानवे पूछ ले तो क्या होगा अगर एक्स की पावर वन बाई एक्स की पावर छ पूछ ले तो क्या होगा बताइए भाई वाह गौतम जी निशा वो उसमें चल रहा है देखो आपको ये हमारे के लिए दो क्लास देखनी पड़ेगी एक ये देखनी पड़ेगी एक चार बजे वाली इसमें हम बेसिक चीजें कवर करते हैं उसमें हम एडवांस चीजें कवर करते हैं सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं अगर ऐसा गिवन है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस दो दे रहा है तो यह तभी संभव है जब एक्स की वैल्यू माइनस वन होगी ठीक है चार बजे पेड क्लास YouTube पर नहीं पेड क्लास आओ अब x की वैल्यू माइनस वन जब आप यहां पर रखेंगे माइनस वन की पावर 100 प्लस वन बाई माइनस वन की पावर 100। चाहू तो डायरेक्ट बता सकता हूं माइनस वन की जब पावर इवन होती है सम संख्या होती है तो वन ही आ जाता है क्या आ जाता है वन ही आ जाता है लेकिन शायद कुछ बालक हमारे नहीं समझ पाएंगे तो इस चीज को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं माइनस एक का स्क्वायर कितना होगा माइनस एक की क्यूब कितनी होगी माइनस एक की वैल्यू चार कितनी होगी और माइनस एक की वैल्यू पावर पांच क्या होगा देखिए अगर आप माइनस एक माइनस एक की दो बार गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा प्लस का एक आ जाएगा अगर तीन बार गुणा कर रहे हैं तो माइनस खत्म ही नहीं होगा वो ऐसे कैसे ही बना रहेगा जब माइनस एक माइनस एक की गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये दोनों तो प्लस हो गए ये वाला फिर ऐसे ही रह गया ठीक मतलब ओडीवन का पैटर्न चलता रहेगा एक बार प्लस वन एक बार माइनस वन यहाँ पर चार है पेयर बन रहे हैं बढ़िया से तो कट जाएंगे ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस वन आ जाएगा जैसे यहां पर पांच बार है एक फिर अकेला बच जाएगा देखो ये इससे पेयर बना गया ये इससे ये वाला ऐसे ही बच गया तो माइनस वन फिर से आ जाएगा आप इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि माइनस वन की पावर यदि ओड होगी विषम संख्या होगी तो उत्तर माइनस वन ही होगा माइनस वन की पावर यदि इवन होगी सम होगी तो आंसर क्या होगा प्लस वन होगा रटना नहीं है नेगेटिव पावर नेगेटिव नंबर की कभी भी आप पावर देखेंगे तो यही होगा माइनस वन लिखने से मेरा मतलब है नेगेटिव। जैसे चार का कोई क्यूब कहे तुम्हें माइनस चार का कितना आएगा माइनस का चौसठ आएगा चार का क्यूब चौसठ होता है माइनस एज इट इज रहेगा यहीं पर माइनस चार का किसी ने स्क्वायर कहा होता तो सोलह आया होता नेगेटिव नंबर यहां पर लिखा हुआ पावर इवन है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ठीक है वापिस आ जाते तो ये भी इवन नंबर है ये भी इवन नंबर है यहां से भी वन आएगा यहां से भी आंसर कितना आ गया ये ये भी number, ये भी नंबर नंबर अगर आप इन्हें देखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस वन यहां पर माइनस वन यहाँ पर तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा जैसे ये थे इवन पावर थी तो माइनस दो आया था ठीक है इस वाले सवाल में एक विषम है एक तो सम है एक ओड है एक इवन है ओड नंबर माइनस वन ही देगा इवन नंबर वन देगा तो आंसर माइनस वन प्लस वन होकर अंततः जीरो आ जाएगा ठीक है बताइए कोनो दिक्कत ज्यादा नहीं हुआ सेंटी थोड़ा सा ही पढ़ाया भाई बढ़ते हैं जीवन में आगे थोड़े से अच्छे पार्ट की तरफ क्या आप लोगों को a प्लस बी का स्क्वायर पता है क्या होता है बताइए ये yes, नो no, मत बताओ बता दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए अगर b नेगेटिव हो जाए यानी माइनस आ जाए तो क्या यहां पर नेगेटिव आएगा बताओ जहां बी स्क्वायर है वहां तो माइनस बी आप रखोगे तो प्लस ही बन जाएगा माइनस कहां पर आएगा a और b की जब गुणा करोगे तो माइनस आएगा ठीक है यानी अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस हो जाता है क्लियर अब अगर मैं आप लोगों से पूछू कि जरा मुझको एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा सभी बुद्धिजीव जो क्लास में एक बार फिर दोबारा समझ नहीं आया सर के ऊपर से जा रहा है सारे के सारे लिख के देखेंगे विपुल थोड़ा से सोल्व भी कर ले जो बीच में लिखा हुआ भाई x इंटू वन बाई एक्स जो लिखा है सोल्व भी कर ले ऐसे तो छोटा बच्चा भी लिख देगा अगला स्टेप जाने की कोशिश करो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस दो x क्या इस बात से सहमत हो सब के सब पूरी जो क्लास की बालकों की फौज है क्या वो इस बात से सहमत है अजी जब सहमत हो तो इसको इससे काट का ही नहीं देते हो कट गया ए गुणा बी क्या होगा वन होगा अब <coughs> क्या ये लिख सकता हूं जो दो उधर था मैं उसे इधर ले आया अब थोड़ा ध्यान से देखना कल को कोई अगर मुझे कही कि x प्लस वन बाई एक्स जो है मास्टर जी तीन होगा आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बताइए क्या होगा कोई मेरे से ये पूछ ले तो आप इसके आधार पर सोल्व कर पाएंगे इसकी जो वैल्यू होती है ये इसका स्क्वायर करने और दो घटाने से आ जाती है यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूं स्क्वायर करने का परिणाम ये होगा इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इज टू कितना आ जाएगा नाइन आ जाएगा आ गया नाइन दो को आप उधर भेज दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा सात होगा ठीक है यानी अगर ये तीन है तो ये कितना आएगा सात आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो जो इधर का दो था वो इधर आके माइनस हो जाता है अर्थात अगर आपके पास यहां पर m है तो इसकी वैल्यू एम स्क्वायर माइनस टू होती है इस बात में कानों को कानो सक बेसिक भी लिख दिया डायरेक्ट भी लिख दिया और जो किताबों में छपा होता है ना ये रटाने के लिए कि एम एम स्क्वायर माइनस तो वो भी लिख दिया कुछ नहीं बचा भाई अब आप लोगों को लिखना है कि यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स पांच है दस है रूट टू है रूट थ्री है टू रूट थ्री है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा सोल्व करना पड़ेगा छोटे से मुश्किल सवाल तक गया है छोटा सोल्व करोगे बड़ा अपने आप सोल्व हो जाएगा हाँ कुछ भी मान सकते हैं विपुल यार ये बेफालतू के सवाल क्या तुम भी मतलब छोटे बचपन से ही सवाल पूछते आ हो लिख ले भाई राम प्लस वन भाई राम लिख ले राम की जगह सत्तु लिख ले सत्तु की जगह विपुल लिख ले क्या फर्क पड़ता है सुधर जाओ जब आप इसका होल स्क्वायर करते हैं तो यही आता है बस दो ज्यादा होता है जब आप इसका स्क्वायर करते हो देखो जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये आता है, x का square, ये आता है। दो फालतू में वो घटाना है आपको इसका स्क्वायर करेंगे यही आएगा बस दो ज्यादा है यानी अगर इसकी वैल्यू एम है तो इसमें एम स्क्वायर माइनस दो करना है बस जैसे पंज द स्क्वायर पच्ची पच्चीस तो दो गया तेईस यानी पांच का स्क्वायर पच्चीस उसमें से दो गया तेईस दस के स्क्वायर सौ में से दो गया नाइनटी एट रूट दो का स्क्वायर आइए समझिए रूट दो का स्क्वायर क्या होता है रूट दो का स्क्वायर माइनस दो करना है आपको इस वाले के यही तो करते हैं नंबर का स्क्वायर उसमें से दो घटाते रूट दो गुणा रूट दो ठीक है माइनस दो रूट दो रूट दो कितना होता है दो होता है जीरो हो सकता है आपको इससे भी एक नेक्स्ट लेवल आपके सवाल मन में आ जाए कि रूट दो रूट दो सर दो क्यों होता है आओ उसे भी समझ लेते हैं आप दो तीन तरीकों से देख लो ए की पावर एम बी की पावर एम हो तो हम ए बी की पावर एम लिख सकते हैं ठीक है तो जैसे रूट दो हुआ रूट दो हुआ तो मैं पूरा रूट इकट्ठे लगा के इन दोनों को ऐसे लिख सकता यानी आ गया और कितना आ गया आ गया और भी बेसिक बता देता हूँ रूट दो का मतलब होता है दो की पावर हाफ दो की पावर हाफ ठीक है इन्हें आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं दो गुणा दो को बाहर पावर ले लो मतलब तो दोनों की कॉमन पावर है ना तो एक बारी में लगा दी ये कितना है भाई दो का स्क्वायर बाहर पावर कितनी है हाफ है दो से हाफ कट जाएगा फिर कितना आ जाएगा दो आ जाएगा और बेसिक समझ सकते हो अगर दो नंबर है ऐसे तो उनकी पावर ऐड हो जाती है एम और एन ऐड हो जाता है अगर आप एम और एन को ऐड कर दो यानी हाफ हाफ को ऐड कर दो तो भी आपका काम बन जाएगा ठीक है कितना आ जाएगा दो की पावर एक आ जाएगा आप सोच रहे होंगे पावर ऐड क्यों हो जाती है कोई दो की पावर तीन लिख रहा है कोई दो की पावर चार लिख रहा है बेसिक सी बात है 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 कहने की कि यहां दो तीन बार आया है, यहां दो चार बार आया आया चार हर चीज का आंसर उससे एक स्टेप पीछे छिपा हुआ है जिंदगी में अगर आपको पता है पावर का अर्थ क्या होता है मतलब क्या होता है तो ये मतलब होता है पावर का दो की पावर तीन का मतलब ये दो की पावर चार का मतलब ये है तीन बार यहां आया दो चार बार यहां आया पावर यही तो बताती है कुल मिलाकर कितनी बार आया तो कुल मिलाकर सात बार आ गया तो इसलिए पावर मल्टीप्लाई में एड हो जाती है और डिवाइड में हो जाती है ठीक है क्लियर है तो ये बेसिक सा मैंने आपको पावर का खेल समझाया हर एंगल से हर तरीके से समझाया कोई सा एक तो भगवान की दया से आपकी समझ में आ गया होगा तो ये होता है ठीक है रूट का जब आप स्क्वायर करते तो रूट उड़ जाता है जैसे आप रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो वो तीन ही आएगा और तीन में से दो घटाएंगे तो एक आएगा क्लियर रूट तीन का आप स्क्वायर करेंगे उसमें से दो माइनस करेंगे तीन माइनस दो कितना आएगा एक आएगा अब आते अंतिम वाले पर ठीक है बिहार अररिया में बाढ़ आ गया दो दिन से दिल्ली में डेली से बाढ़ आया हुआ है इतने दिन से बाढ़ आई हुई है हम फिर भी देखो पढ़ा रहे तुम तो भी पढ़ते रहो व्यवस्था करके दो रूट तीन देखिए क्या होगा ये दोनों नंबर गुणा में है दो और रूट तीन दो का स्क्वायर करूंगा चार आएगा रूट तीन का स्क्वायर करूंगा तीन आएगा रूट का स्क्वायर करो तो नंबर वापस आ जाता है तो दो गुणा रूट तीन का स्क्वायर किया तो चार गुणा तीन आ गया इसमें से दो माइनस भी करना है भाई माइनस दो भी करना बारह में से दो जाएगा दस आएगा तो लास्ट वाले का आंसर आएगा टेन जो मुश्किल है उनके सॉल्यूशन आपके सामने लिखे हुए हम या हमारी सोच जो होती है ज्यादातर वो <coughs> मतलब हमारी बॉडी जो काम करती है ना वो आपको अभी की समस्या से बचाने पे काम करेगी मतलब इस पॉइंट की समस्या से वो कैसे बच सकते हो आप बॉडी उस पर काम करती है माइंड जो होता है वो भविष्य में आप किस समस्या से बच सकते हो उस पे काम करता है मान लिया मैं आपकी तरफ ये मार्कर फेंक के मारूं तो आप एकदम से क्या करेंगे यूं बच जाएंगे लेकिन पता चला इधर दीवार है कोई तो उसमें सर लग जाएगा ये होगा तो जब आप माइंड से बैठ के सोचते हो तब जाकर किसी समस्या का हल निकलता है बात करते हैं हमारे देश की ठीक है ये इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है पर चलो ले लिया हिस्से में आप जब देखेंगे हमारे देश में हमेशा ये सारा माउंटेन वाला रीजन है ये सारा हिमालय है अब पृथ्वी जो है जो भारत जो है वो बना कैसे है वो बना ऐसे है कि हम नीचे हुआ करते थे और यूं जाके ऊपर एशिया में टकराए तो इस हिस्से से टकराए थे ये हिस्सा पूरा क्या बन गया पहाड़िया बन गई हिमालय जो है हमारा नया एक तरीके की माउंटेन है यंगेस्ट माउंटेन है सबसे नया माउंटेन है तो ये बहुत नई पहाड़ियां है ठीक जैसे कहीं पर मिट्टी का ताजा ताजा ढेर होता है तो ये नई पहाड़ियां है अब यहां से क्या होता है ये पहाड़ियां हो गई यहाँ पे यहां से बारिश सबसे ज्यादा यहाँ होती है हवाएं जाती है टकराती है तो बारिश यहाँ होती है बर्फ यहाँ पर है ग्लेशियर यहाँ पर है यहां से पिंगलती है तो यहाँ से पानी नीचे फ्लो करता है इधर एक छोटी सी रेंज है अरावली रेंज जो राजस्थान की तरफ जाने से इन हवाओं को इस पानी को रोकती है और इस तरफ आपको डेजर्ट देखने को मिलता है तो यहाँ पानी का आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पानी है यहाँ पानी हमारे पास है नहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है और बहुत जगहों पर सूखा पड़ा रहता है अगर आप महाराष्ट्र वगैरह की भी बात करेंगे नीचे तो ये भी ड्राई एरिया यहाँ पर भी बहुत सा एरिया बंजर हो चुका है यूपी में भी ऐसा ही है या तो बाढ़ है या तो एरिया सूखा है बिहार में भी या तो सूखा जाएगा तो पानी ज्यादा हो जाएगा क्या इसका इलाज है तो इलाज हमेशा दिमाग से सोचना चाहिए इसका इलाज है कि हमें नहरें बनानी चाहिए जैसे कुछ आप नहर देखेंगे एक है इंदिरा गांधी कैनाल है जो पंजाब से चलती है और सीधा राजस्थान होते हुए जाती है मतलब मैन मेड नहर यानी कि हम अगर मान लिया इस स्ट्रक्चर से ऐसे यू और फिर यू अगर हम मैन मेड नहरे बना सके तो जब भी अगर हमें लगेगा कि पानी का फ्लो ज्यादा हो रहा है हम डैम से पानी को डाइवर्ट कर सके आप नदी को फ्लो करने दीजिए उसके नेचुरल जो है उस तरीके से लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा पानी हो रहा है तो आप उसे डाइवर्ट कर दीजिए आपने इसमें डाइवर्ट किया यहां से वो अन्य इलाकों में डाइवर्ट हो जाएगी जो स्टोर करके उस पानी को रख सकते हैं तो ये इस पानी का समस्या ठीक है थी? एक बच्चा कह रहा था कि बाढ़ आ रही है ये हो रहा है बहुत बड़ी समस्या और उसका बहुत छोटा सा सोल्यूशन है हमारे देश में हर साल लगभग दस बिलियन डॉलर का नुकसान होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग पचास बिलियन डॉलर का यानी कि हमारे साल लगभग सत्तर से अस्सी हजार करोड़ का तो डायरेक्ट नुकसान है सभी ये राज्यों को पानी की वजह से और अगर सूखे और पानी दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग सालाना दस एक लाख करोड़ का नुकसान है देश को इस पानी की समस्या की ठीक है बात मोदी जी को समझाइए जब उन्हें बात समझ आ रखी है कि हिंदू मुसलमान करने से मैं प्रधानमंत्री रहूंगा तो मेरी बात क्यों सुनेंगे वो मैं भी उनकी जगह मुझे पता होता कि इस चीज़ पे वोट मिलेंगे, तो, तो तेईस अट्ठानवे जीरो एक दस ये इनका आंसर होगा अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ट्विस्ट कर रहा हूँ समझिए कैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स की जगह इस बार हम कर दे रहे हैं x माइनस वन बाई एक्स ठीक है और x माइनस वन बाई एक्स को मैं मान लेता हूं m ही मान लेता हूं और आप लोगों से पूछता हूं x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा बताइए कितना होगा सरकार क्यों नहीं सोच सर तुम सोच नहीं रहे सरकार सोच ले गजब के आदमी हो मान लिया तुम किसी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट पे दस आदमी जाके ऑर्डर कर देगी दे मैगी ले आओ और बाद में मैगी आ जाए तुम्हारे सामने और तुम कहो यार पता नहीं सब मैगी क्यों खाते रहते हैं भाई तुमने ऑर्डर की थी तुमने जाति के नाम पे धर्म के नाम पे नीचे से वोट करके ऊपर भेजा है लोगों को तुमने ऑर्डर किया है वैसा तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि बाहर से आ गए कि चाइना से कोई प्रधानमंत्री बैठा गया है कोई सरकार बना गया है लालू जी के लड़के को कोई उप मुख्यमंत्री बना गया बाहर से आ तो मुझे बनाया भाई नहीं पता गायत्री पांडे जी क्या कैसा रिमाइंडर आ रहा है देखिए पिछले वाले में माइनस टू हुआ था क्यों करके देखना पड़ेगा जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इजल्स टू एम आ गया और जब आप पिछले वाले सवाल में देखेंगे तो इस वाले में क्या आया था प्लस टू आया था होल थार करने पर यहाँ पर क्या आ गया है माइनस टू आ गया जब मैं इसे उधर भेजूंगा तो एक्स स्क्तर प्लस वन बाई एक्सर की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस टू हो जाएगी मेरी इस बात से कोई सहमत ना हो तो बता दो भाई वोट मिलने के बाद कोई नहीं सोचता वोट लेने के टाइम पे भी कहा सोच रहे हैं वो तो वोट लेने के टाइम पे भी वो तो जाति के धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं वोट लेने के बाद भी वही स्थिति हैजरस टू डेमोक्रेसी इट सेल्फ बहुत ज्यादा आजादी आजादी के ही खिलाफ चली जाती है डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं प्रजातंत्र अगर भीड़ से फैसले होने लगेंगे तो गलती आएगी आएंगी वो भीड़ फैसले करती है लोकतंत्र लोक अत्यधिक लोकतंत्र लोकतंत्र के लिए ही अभी साफ है क्योंकि फिर उसमें ऐसे लोग फैसला कर रहे होते जिनमें पावर नहीं होती हो डिसीजन लेने की देने की एक्स माइनस वन बाई एक्स इजक्वल टू थ्री फाइव रूट टू और रूट थ्री एंड टू रूट फाइव आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा लीडर्स नहीं करते हैं, हम करते हैं सुल्ताना जी लीडर्स को तो इस बात का पता है बस मान ले जैसे तुम्हें छोले भटूरे पसंद है और मुझे इस बात का पता है तो मैं तुम्हारी गली में आके छोले भटूरे का स्टॉल लगा दूंगा मान लिया कल को कोई लीडर आके अच्छी अच्छी बात करने लगे प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या नहीं बनेगा क्योंकि हमें अच्छी अच्छी बातें चाहिए ही नहीं तो कमी लोक में है तंत्र में कमी नहीं है देखिए चलते हैं आगे तीन पांच रूट दो रूट तीन दो रूट पांच कीर्ति देवी जी कह रहे हैं शुरुआत से मैथ पढ़ाइए अच्छा 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 देखो थोड़ा आनंद ले, ले लेते क्लास में कीर्ति देवी जी किस समय क्लास में जुड़ी हैं मतलब कितने दिन से पढ़ रही है अच्छा 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ शुरुआत कहाँ से होती है मतलब क्या आपके हिसाब से शुरुआत क्या है अच्छा नंबर सिस्टम आपके हिसाब से शुरुआत है क्या होता है नंबर सिस्टम में मतलब नंबर सिस्टम ही क्यों शुरुआत है प्रशांत इससे पास तो भाई क्या चलेंगे बताओ क्योंकि कोई टीचर उसे शुरू में पढ़ा देता है इसलिए नंबर सिस्टम शुरुआत है देखो तीन का स्क्वायर जब आप करेंगे और उसमें दो जोड़ेंगे तो नोट दो ग्यारह आएगा पांच का स्क्वायर जब देखो इसकी वैल्यू m है तो इसकी वैल्यू क्या होगी एम स्क्वायर होगी पांच का स्क्वायर करेंगे दो जोड़ेंगे सत्ताइस रूट दो का स्क्वायर करेंगे और दो जोड़ेंगे चार रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तीन और उसमें दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा पांच दो रूट पांच का जब आप स्क्वायर करेंगे देखिए ये वाला बता देता हूं लिख के दो रूट पांच का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये तो चार आएगा और ये पांच आएगा और दो जोड़ना है तो भैया बाईस आ जाएगा बताओ सबने चेक कर लिया है? अरे बैच ना चलता रहता है इसमें किसी पॉइंट पे एडमिशन कोई किसी पॉइंट पे लेता है कोई किसी पॉइंट पे लेता है मतलब एक साइकिल की तरह चलता रहता है हर दिन हर महीने तो नया बैच शुरू नहीं कर सकते जैसे देखो ऐसे होता है मैंने पहले अर्थमेटिक पढ़ाया जो लोग शुरुआत से चले होंगे उन्हें पहले नंबर सिस्टम दिखा होगा फिर उसके बाद आ, वो सारे पोर्शन हो जाते हैं लसे हम लसे हम ये फिर आ जाती है परसेंटेज बेस्ड चीजें प्रतिशत वाले चैप्टर तो कुछ बच्चे उस टाइम पे एडमिशन लेते हैं फिर आ जाता है एडवांस जहां हम ज्योमेट्री वगैरह से शुरू कर रहे होते हैं इनमें से किसी भी चीज का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है निःशुद्ध प्लेन चीज है किसी बात का किसी से कोई लेना देना नहीं है सब एक मन का वहम है कि नंबर सिस्टम से शुरू होता है नंबर सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं जो मुझे ज्योमेट्री पढ़ाने में चाहिए जो मुझे परसेंटेज पढ़ाने में चाहिए तो या तो आप यहां से आओगे ज्योमेट्री पहले पढ़ोगे फिर ये एच से एंड में पढ़ लोगे या फिर आप यहां से शुरू करोगे तो ऐसे या ज्योमेट्री से शुरू करोगे तो अगला नंबर सिस्टम वाला पार्ट आ जाएगा फिर परसेंटेज वाला तो चलता ही रहता है नहीं आज के लिए इतने ग्यारह बज गए बच्चों की और वो सब सिखाऊंगा उसके बाद एलजेबरा के क्वेश्चन पे चलेंगे वैल्यू पुट करके कैसे करते हैं और चीजें कैसे करते हैं ठीक है सब देखो शंभु जी बिल्कुल वही सिखाएंगे कल एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वाय बाय टेक केयर